गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू द गुजराती चेस जॉब। दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारी ओपनिंग्स, जो फेमस ओपनिंग है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और आप सभी जानते हैं सिसिलियन डिफेंस, कैरोकान, ये दुनिया की सबसे जानी मानी ओपनिंग्स है। तो उसके अलग अलग वेरिएशंस मैं आपको डीप में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सभी के जो स्टार्टिंग मूव्स होते हैं कि किस मूव से वेरिएशन का नाम क्या होता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे सारे वीडियो हर बार में आपको हर संडे एक न एक अलग अलग ओपनिंग्स के वीडियो भेज रहा हूँ। तो ये सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिसिलियन डिफेंस, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस ओपनिंग है। सिसिलियन डिफेंस, ब्लैक से जब व्हाइट e4 खेलता है तो e4 के रिप्लाई में c5, ये सिसिलियन डिफेंस स्टार्टिंग है। दोस्तों इसमें आगे जाके बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस है, जिसमें सबसे पहला ड्रैगन वेरिएशन, सिसिलियन ड्रैगन, नाइट f3, उसके बाद d6, d4, c takes d4, knight takes d4, knight f6, knight c3, g6। यहां पे g6 करने से ब्लैक से सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद व्हाइट को रिप्लाई देना होता है bishop e3, bishop g7, ना कि knight g4। यहाँ पे दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, knight g4 ये एक मिस्टेक है, क्योंकि bishop b5 चेक, और जब आप bishop d7 करते हो तो queen takes g4, आपका नाइट लॉस होता है। और अगर knight c6 इंटरपोज करते हो तो knight takes knight, देन bishop takes, और आपका रुक चला जाता है। तो knight g4 करने की मिस्टेक यहाँ पे मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको खेलना है bishop g7, f3, शॉर्ट कैसल, bishop c4, knight c6, queen d2, knight d7, ये है ड्रैगन वेरिएशन। दूसरा देखते हैं रिचर्ड रोजर वेरिएशन, सिसिलियन डिफेंस, e4, c5। आप खुद देख लीजिए कि हर एक वेरिएशन में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। Knight f3, knight c6, यहाँ पे d6 नहीं है, ब्लैक की ओर से knight c6, बाद में d4, cd4, knight takes d4, knight f6, nc3, d6, bishop g5, e6, queen d3, a6। ये मैंने बताया रिचर्ड रोजर वेरिएशन। अब देखते हैं सोजिन वेरिएशन। सोजिन वेरिएशन, e4, c5, knight f3, nc6, d4, c takes d4, knight takes d4, knight f6, nc3, और उसके बाद d6। यहाँ पे व्हाइट खेल रहा है bishop c4, ये है सोजिन वेरिएशन।
नेक्स्ट जो है मैं बताना चाहूँगा आपको स्वेस्निकोव वेरिएशन, जिसमें E4, C5, Na3, Nc6, D4, Ctxd4, NxD4, Nf6, Nc3, E5। ब्लैक अगर E5 करके खेलता है तो स्वेस्निकोव वेरिएशन है Nb d5। उसके बाद D6, Bg5, A6। नेक्स्ट देखते हैं सिसिलियन में ही फोर नाइट वेरिएशन, E4, C5, Na3, E6। यहाँ पर दोस्तों E6 से शुरुआत करता है ब्लैक सेकंड मूव में, वाइट D4, Ctxd4, Nd4, Nf6, Nc3, Nc6, Nb5, Bb4, Bf4, Nc4, Nc7 चेक, Kf8, Nc8। बैड मूव है, दिखने में अच्छी मूव है। बैड मूव क्यों है? Qf6, Qf3, Nc3, Bd2, Nd4। अगर क्वीन क्रॉस F6 करता है तो Nc2 मेट है, तो क्वीन क्रॉस F6 नॉट पॉसिबल। क्वीन D3 फोर्स मूव, क्वीन E5 चेक आफ्टर बिशप E3, नाइट A4 चेक, C3, नाइट क्रॉस B2 और वाइट रिजाइन, क्योंकि क्वीन क्रॉस D4 तो बिशप टेक C3 चेक और क्वीन लॉस। टाइमोनोव वेरिएशन E4, C5, Na3, Nc6, D4, Cd4, Nd4, E6, Bishop E3, Knight F6। कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल मूव हमें अगर ओपनिंग नहीं भी आती है तो हम व्हाइट की ओर से ऐसा ही कुछ मूव करेंगे जो हमें पता नहीं है कि हम कौन से वेरिएशन खेल रहे हैं, लेकिन हो जाता है अपने आप वही वेरिएशन जो हम खेलना चाहते हैं। बिशप E3, नाइट D2, E5, नाइट क्रॉस C6, डी क्रॉस C6। ये था टाइमोनोव वेरिएशन। देखते हैं पॉल्सन वेरिएशन। पॉल्सन वेरिएशन बहुत बार लोग खेलते हैं, इसके बारे में खास ध्यान रखो। E4, C5, Nf3, Nc6। जो भी मूव मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये बुक मूव है। D4, Cd4, Nd4,
क्वीन सी सेवन, नाइट सी थ्री, ई सिक्स, जी थ्री, ए सिक्स, बिशप जी टू, बी फाइव, शॉर्ट कैसल, बीबी सेवन। ये था पॉलसन वेरिएशन। इसके बाद में सबसे अच्छा वाला जो वाइट की ओर से भी अच्छी लाइन है वो है क्लोज सिसिलियन। क्लोज सिसिलियन में सबको सजेस्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी कि वाइट की ओर से अगर कोई सामने वाला सिसिलियन खेलता है तो आप क्लोज सिसिलियन जरूर खेलिए। क्लोज सिसिलियन वाइट के लिए काफ़ी अच्छा वेरिएशन है। तो ये भी हमें देखना है ई फोर सी फाइव। क्लोज सिसिलियन में नाइट एफ थ्री के बजाय नाइट सी थ्री निकलता है पहले, ब्लैक ई सिक्स या डी सिक्स कुछ भी करता है जनरली। यहाँ पे जी थ्री, उसके बाद नाइट सी सिक्स, बिशप जी टू, रुक बी एट, नाइट एफ थ्री, बी फाइव, कैसल, बी फोर, एनी टू, देन नाइट एफ सिक्स, डी फोर, नाइट क्रॉस ई फोर, नाइट ई फाइव, नाइट क्रॉस ई फाइव, डी क्रॉस ई फाइव, देन एफ फाइव। दोस्तों ये है क्लोज सिसिलियन, काफ़ी फेमस है। इसमें वाइट की ओर से भी आप अच्छी तरह से खेल सकते हो। ऐसा नहीं कि सभी गेम में ब्लैक से विनिंग है। तो जो आप अच्छा सा वेरिएशन कोई सिलेक्ट करके खेलते हो, अगर आपको लगता है कि सिसिलियन के सामने कैसे खेला जाए अच्छे से, तो आप मेरा सजेशन है कि आप क्लोज सिसिलियन ज़्यादा से ज़्यादा खेलना। तो आपको स्ट्रक्चर में भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे पोजिशन से आप खेल सकते हो। अब देखते हैं फ्रेंच डिफेंस के वेरिएशंस। फ्रेंच डिफेंस जो पहले मूव में ई फोर ई सिक्स होता है, दोस्तों फ्रेंच डिफेंस वो भी बहुत फेवरेट है ई फोर ई सिक्स। यहाँ से सेकंड मूव में सेंटर कंट्रोल के लिए डी फोर खेला जाता है, तो डी फोर के सामने ब्लैक रिप्लाई देता है डी फाइव। यहाँ पे फ्रेंच में चार वेरिएशन है टोटल मेन के। एक तो एक्सचेंज वेरिएशन जो पॉन टेक्स पॉन, दूसरा है एडवांस वेरिएशन पॉन एडवांस करते हैं, तीसरा वेरिएशन है नाइट सी थ्री जो विना वर वेरिएशन कहते हैं, फोर्थ वेरिएशन तारास वेरिएशन नाइट ए टू करके खेलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पहले एक्सचेंज वेरिएशन। एक्सचेंज में पॉन टेक्स पॉन, ई टेक्स डी फाइव, जो फ्रेंच के आगे मतलब जिसको प्रॉब्लम है फ्रेंच के सामने खेलने, तो वो एक्सचेंज वेरिएशन खेल सकता है। सिंपली एकदम सिंपल लाइन है बिशप डी थ्री, देन ब्लैक सी फाइव, नाइट एफ थ्री, आपको सपोर्ट करके कैसल करके खेलना है वाइट से। ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट सी सिक्स, क्वीन ई टू चेक, बिशप ई सेवन, डी क्रॉस सी फाइव, नाइट एफ सिक्स, एच थ्री, फिर ब्लैक कैसल और वाइट कैसल। ये है फ्रेंच डिफेंस का एक्सचेंज वेरिएशन। इस प्रकार दोनों की ओर से डेवलप भी हो गया। वाइट एक पॉन प्लस है, लेकिन वो पॉन ऑलरेडी डबलिंग है और पॉन आपको कभी भी मिल सकता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एडवांस वेरिएशन, फ्रेंच डिफेंस का एडवांस वेरिएशन। ई फोर ई सिक्स डी फोर डी फाइव, व्हाइट एडवांस वेरिएशन खेलना चाहता है तो ई फाइव करेंगे। यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है सी फाइव करके। ब्लैक की ओर से भी मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर लाइन, तो यहाँ पे आप अगर ब्लैक से खेल रहे हो तो एडवांस वेरिएशन के सामने तुरंत आपको ब्रेक लेना होगा सी फाइव से।
उसके बाद देखते हैं विनेवर e4 e6 d4 d5 knight c3। इसके सामने bb4 ये ज्यादा फेमस लाइन है, बिशप d3 d2e4 बिशप टेक्स e4 उसके बाद c5 nge2 c takes d4 knight cross d4 bishop takes c3 b takes c3 queen a5 pinning this pawn। white डिफेंस करेगा queen f3 और with double attack on b7। ये है विनावर। विनावर में बहुत सारे वेरिएशन है, मैं सारे वेरिएशन अभी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, उसके बारे में हम डीपली आगे से वन बाय वन जब मैं वीडियो रखूंगा सारे ओपनिंग्स के, तो आपको एक ही ओपनिंग के पीछे में बहुत सारे वेरिएशन का दिखा के डीप में आपको समझाऊंगा। तो ये था विनावर वेरिएशन। तारास वेरिएशन देखते हैं फ्रेंच में, e4 e6 d4 d5 फ्रेंच के सारे वेरिएशन में पहले दो मूव कॉमन है, थर्ड मूव से चेंज होता है। नाइट डी टू यहाँ पे आप नाइट f6 ये अच्छा मूव है, ब्लैक खेलेगा e5 एंड fd7 bishop d3 c5 c3 knight c6 knight e2 c takes d4 c takes d4 f6। ये है फ्रेंच का तारास वेरिएशन। दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारी ओपनिंग्स जो वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है, उसके बारे में मैं वन बाय वन सारे वेरिएशन आपको समझाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात। वीडियो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।